गुलबर्गा शहर में मौजूद हरमान शरीफ एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 15 अक्टूबर को उमरा रवाना होने वाले आजमीन उमरा के लिए एक रोजा तरबेती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें तमाम को उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के जरूरी अहकाम सिखाए गए हैं। इस ग्रुप में हरमान शरीफ एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स के अलावा अल खैर टूर्स एंड ट्रैवल्स से कुल 49 लोग उमरा के लिए रवाना हो रहे हैं। इस तरबेती कैंप में पिछले ग्रुप के जरिए उमरा की शहादत हासिल कर चुके लोगों ने अपने अच्छे तासुरात पेश किए हैं। इस ट्रैवल्स के प्रोपराइटर ने तमाम डिटेल बताते हुए कहा, इनके जरिए अगला पैकेज 13 नवंबर को 90,000 रुपये में तैयार किया गया है, जिसमें आपके लिए मक्का में 250 मीटर की दूरी पर और मदीना में 50 मीटर की दूरी पर होटल रहेंगी। और इसके अलावा एक और नवंबर में बजट पैकेज तैयार किया गया है, जिसके जरिए आप सिर्फ 66,500 रुपये पे कर उमरा की सादत हासिल कर सकते हैं। इस पैकेज में होटल मक्का में 800 मीटर की दूरी पर और मदीना में 300 मीटर की दूरी पर रहेंगी, और दीगर डीलक्स पैकेज की तरह इसमें भी बाकी तमाम सर्विसेज सेम रहेंगी। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले इसको ऐसे बांध लें, दोनों चादरों को यूं कर दें, फिर चादर को ऐसे बांध कर सामने से यूं फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद यहां से घुमा दें, फिर ऊपर की चादर, फिर इस चादर को ऐसे ओढ़ लें। ये हमारा एहराम मुकम्मल हो गया। अब ये एहराम जब यहाँ हम पहनेंगे एयरपोर्ट से लेकर कहाँ तक, जब हम मताफ में यानी काबतुल्ला में, जहाँ मैं बता रहा था, जब हम काबतुल्ला में पहली नज़र हो गई, वहाँ से नीचे उतरेंगे मताफ में, तो जो ही हमारा पहला चक्कर शुरू होगा तो हम इस एहराम को ये दाहना कंधा खुला रखेंगे, ऐसे ओढ़ लेंगे। दाहना कंधा हमारा खुला होगा उस वक्त, ऐसे ये करके हम तवाफ़ को शुरू कर देंगे। अब तवाफ़ हम कहाँ से शुरू करना है, ये काबतुल्ला है, ये काबतुल्ला है। आप जब 79 गेट से आएंगे तो इस तरफ से आएंगे, काबतुल्ला इस सिचुएशन में होगा। आप 79 गेट नंबर जो आपकी होटल होगी शार इब्राहिम खलील से, यहाँ से आप आएंगे तो काबतुल्ला आप ये कोने पर आएंगे। जैसे ही यहाँ आएँ तो मताफ से यहाँ तक आएँ, हजरे अस्वद के सामने आपको आना है, और इस तरफ में एक ग्रीन लाइट भी लगा दी गई है निशानदेही के तौर पर। आप वहाँ से होते हुए ये ग्रीन लाइट की तरफ आएँ, यहाँ हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने आएँ, आकर दोनों हथेलियों को हजरे अस्वद के, असल में हजरे अस्वद का बोसा देना है। असल क्या है, हजरे अस्वद का बोसा देना है। और दूसरी चीज़ ये जहन में रखें कि बाज़ दफ़ा हमारे हाजी हुज्जाज इकराम क्या करते हैं, जाकर सीधा हजरे अस्वद एहराम की हालत में हजरे अस्वद को हाथ लगाते हैं, मगर हजरे अस्वद पर इत्र लगाया हुआ होता है जिसकी वजह से हमें दम वाजिब हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ पर इत्र लगी होनी हालत में, जब हम हालत एहराम में होते हैं उस वक्त हम हाथ वहाँ ना लगाएं, और वहाँ पर रश भी ज़्यादा होता है। उस ताल्लुक़ से समझें कि बाज़ दफ़ा खुद जो आज़मीन उमरा हैं तो वो लोग कोशिश करते हैं हजरे अस्वद को जाकर बोसा देने की। हजरे अस्वद का बोसा देना मसनून है, सुन्नत है, मगर किसी को तकलीफ़ देना हराम है। हम इसका ख्याल रखें कि एक सुन्नत अदा करने के चक्कर में हम हराम काम का इर्तिकाब ना करने वाले बने। अगर मौका मिले तो वहाँ पर आसानी से हम हजरे अस्वद को बोसा दें, मौका ना मिले, अल्लाह के नबी को पता था कि आने वाले दौर में इतना रश यहाँ पर होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर जिसको चाहे बोसा देना है दे, अगर जो बोसा ना दे सकता हो वो अपने दोनों हाथों को हजरे अस्वद की तरफ कर दे, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को बोसा देगा तो गोया वो हजरे अस्वद को ही बोसा देना होगा। जितना उसमें सवाब होगा इसमें भी उतना ही सवाब होगा। तो लिहाजा हम एक सुन्नत के खातिर हराम काम का इर्तिकाब ना करने वाले बने, इसकी कोशिश करें। ये जो हजरे अस्वद का कोना है, ये कोने से लेकर आप एक फर्स्ट कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोने तक आपको तीसरा कलमा पढ़ना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये कोने तक आपको पढ़ना है, फिर सात चक्कर मुकम्मल हो गए। अब यहाँ से हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके सामने, यानी ये जो खाने काबा का जो दरवाज़ा है, दरवाजे के सिमत के सामने मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम किसको कहते हैं,
कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो पत्थर जो अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से भेजा था, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो तामीर करते करते जब ये लेवल तक पहुंच गए जहां पर इंसानी हाइट होती है, उसके ऊपर आजकल के जैसे तो कोई मशीनरीज नहीं थी, वहां पर सीढ़ियां वगैरह का भी कुछ ये नहीं था, तो अल्लाह तबारक व ताला ने कीमती पत्थर भेजा जिसके ज़रिए से आप नीचे और ऊपर चढ़ सकते थे। वो अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था। क्या आप पत्थर के ज़रिए से आप नीचे होना चाहते तो नीचे होकर पत्थर लेते, फिर आप ऊपर जाने का इरादा करते यहाँ पर पत्थर रखने के लिए तो वो पत्थर खुद ब खुद ऊपर होता फिर नीचे होता। तो ये वो पत्थर मकाम इब्राहिम यहाँ पर सामने है। जब यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा 7 चक्कर तो मकाम इब्राहिम के पीछे आकर 2 रकत नमाज हमें पढ़ना है। माउ जमजम लिमा शुरी मबी के जमजम का पानी हम जिस नीयत से पियेंगे वो अल्लाह तबारक व ताला हमारी तमाम हाजतों को पूरी करेगा। अब जमजम का पानी की हम ये कोशिश करें कि हमारी सेहत सही हो, वो नीयत से पियेंगे तो इंशाल्लाह सेहत सही होगी। जिस भी नीयत से पियेंगे और खूब इत्मीनान से पेट भर कर पानी पिए। जो मैं उमरा के लिए गया था लास्ट 15 दिन पहले, तो उसमें कहने का मतलब ये कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। आप बोलिए कि आप गए थे, बोले क्या मैं खुदा से एक बोलता हूँ, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। आपको मकान जिस तरीके से है, खाना पीना रहना सब माशाल्लाह, हमारे पटेल साहब जो है ना इतना खिदमत करते हैं जो इसकी तारीफ करना बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ याद रखिए, उमरा को मैं भी ले जाती हूँ, आप भी ले जाती हूँ, उन्होंने भी ले जाते हैं, सब भी ले जाते हैं। ले जाके उनके साथ रहना ये बहुत बड़ी बात है। मैं सुना हूँ पास बुक यहाँ से ले जाते हैं, ले जाके वहाँ एयरपोर्ट पर भेज देते हैं, वहाँ दूसरे आदमी आते हैं उन्हें एक दिन खाना दाल को दूसरे दिन चांद प्योल है खा जा निकल जा, ऐसा भी होगा सुना हूँ मैं। मैं मालिक कर भाई ये शिकायत तो कभी आई नहीं। मैं खुद पंडित साहब को बोलता था कि भाई ये क्या खाना खाना दे, सुबह में 3 टाइम मटन, दोपहर में शाम में। अरे मैं बोला भाई ये निकालो हमको दाल और राइस लो। बोलते उन्हें बोलता अरे साहेब क्या लेके मेरे को पास दाल चावल लो। बोलते ये क्या ले बोलते दोनों। बोलते मालिक करें कोई चीज़ तकलीफ नहीं। और एक थोड़ा सा खिस्सा बोलता हूँ, मैं मेरे बेटी के साथ गया था सुखिए मदीने में गए, अचानक मेरी बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। तो हमारे पंडित साहब हम लोग खाना खा रहे थे, बच्ची एकदम तड़पने लगी, तो उन क्या खाना छोड़ दे के हाथ पूछ लिए इससे कपड़े से हाथ पूछ को, चाचा तुम यही बैठो मैं अभी आ तुम बोले सीधा बच्ची के लिए जाओ हॉस्पिटल चले गए। सोचने की बात है जरा, ना बाप जाता ना बेटा बेटा जाता ना क्यों जाते, आप उठे सीधा उठो भाई। अच्छा हम देंगे कहाँ देंगे भाई, ना उनकी बात हमको आती ना हमकी बात उनको नहीं आती। और एक याद रखिए, जब वहाँ आदमी भटक जाता है या किसी हम बोलेंगे अरे हम सब होशियारे जाते हैं, वहाँ तुमको बात आती नहीं तो करिए कैसे। हम यहाँ बोलो कर्नाटक वाले क्या करेंगे, बाद में कर्नाटक में हिंदी में बोलेंगे, बोल देते इंग्लिश में बोलेंगे, वहाँ लोग कोई जानते नहीं बात तुम्हारी, बात झटा देते वो सफ़ेद करने वाले बात झटा, उन्हें जाना कूदते वाके जो है ना वो ये क्या क्यों। आप हॉस्पिटल लेके मेरे बच्चे को मैं परेशान हुआ, फिर बाद में 12:30 बजे फ़ोन किया, मैं बोला पंडित साहब को ऐसा दूसरे को भी मैं धक्का मार उठा दिया, देखो भी ऐसा होता है मेरी बच्ची नहीं होती। बोले क्या किए मालूम है, ठहरे हम फोन लगाते फ़ोन लगा के जो बोले उन्होंने बोले कि चाचा को बोलो कि सुबह आराम है एडमिट किए सो बच्ची को, अब आदमी परेशान होता नहीं होता एडमिट करे। बोले बोले कि चाचा तुम परेशान मत हो, एक घंटे में हम डिस्चार्ज कर लेते, फिर बच्ची से बात करें नहीं पापा एडमिट ठीक हो कब भाई आधा घंटा बोलते 2:30-3 बजे हॉस्पिटल से मालिक का करना। फिर दूसरे दिन जो है ना ये चल मतलब ये बोलने का आदमी को उन क्या बोले मेरे को मालूम है। देखो साहेब मैं सज्जन नशीन हूँ, देखो साहेब मैं तुमको हैदराबाद से लेके आ रहा हूँ, हैदराबाद में ला कर छोड़ता हूँ, अब तुम्हारे घर को छोड़ दो तो नहीं छोड़ता भाई, हैदराबाद से लेके जा रहा हूँ हैदराबाद को ला कर छोड़ देता हूँ, उसके बाद आपने गाड़ी से चले जाओ। इतने भैया ने मतलब है कि खिदमत करना ही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ इतवार 13 अक्टूबर को हरमैन शरीफ एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तरबियती प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से सारी चीज़ें बताई गई, उमरा करने का तरीक़ा बताया गया, जो चीज़ें साथ में लेकर जाना है क्या चीज़ें नहीं लेकर जाना है वो सारी चीज़ें बताई गई, और तमाम आज़िमीन उमरा को मुतमईन किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ये 41 मेंबर पर
हमारा काफिला रवाना होगा जो हैदराबाद एयरपोर्ट से निकलेगा और 15 दिन के बाद वापसी होगी। 7 दिन मक्का और 7 दिन मदीने में रहेंगे। और उसके अलावा हरमैन शरीफ एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से नवंबर की 13 तारीख को एक पैकेज रखा गया है 90,000 का, जिसमें होटल मक्के में होटल 250 मीटर पर होगी और मदीने में 50 मीटर पर होटल होगी, और हैदराबादी फूड वगैरह होगा, साथ में मौलिम होंगे। और एक पैकेज नवंबर में रखा गया है जो कि 66,500 यानी 65,500 में जो कि बजट पैकेज रखा गया है। जो हजरात इसमें होटल 800 मीटर पर है मक्के मुकरमा में, और मदीने में 300 मीटर पर होटल दी जाएगी। बाकी सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा डिलक्स पैकेज है सेम सर्विस बाकी उसमें दी जाएगी। जो हजरात भी ख्वाहिश रखते हों बजट पैकेज में या स्पेशल डिलक्स पैकेज में जाना चाहते हों वह हमसे रब्ता करें। जो मोबाइल नंबर है 9886245748। अगर एड्रेस चाहिए तो हमारा एड्रेस है हुसैन आइकॉन कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 12 मिसबा नगर चौक MS की मील गुलबर्गा। और इसी के साथ 2025 हज की भी बुकिंग जारी है। जो हजरात हज का इरादा रखते हों वो तो जल्द अज जल्द हरमैन शरीफ एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स से रब्ता करें। आज 13 अक्टूबर 2024 हरमैन शरीफ़ैन और अल खैर टूर एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा से जाने वाले आज़मीन उम्रा की तरबियत का प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ। इस महीने जो 15 अक्टूबर को जाने वाले आज़मीन हैं इनका पैकेज 90,000 रुपये रखा गया था। 15 दिन का सफ़र होगा इंशाल्लाह, एक हफ़्ता मक्का मुकरमा में और एक हफ़्ता मदीना मुनव्वरा में। और फिर इसके बाद नवंबर की 13 तारीख को इंशाल्लाह अगला काफिला हमारा उसकी तैयारी है, ये भी 90,000 रुपये का है। और इनका जो मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में क़यामगाह है और उनका फासला है वो तकरीबन 250 मीटर पर मक्का मुकरमा में, और सिर्फ 50 मीटर पर इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में क़यामगाह होंगी। और फिर एक और बजट मुख्तसर बजट में कम बजट में यानी 66,500 रुपये में भी एक काफिला बनने के लिए तैयार है, और वो इनके लिए मगर 800 मीटर पर मक्का मुकरमा में क़यामगाह होंगी और बस से इनका आना जाना होगा। और मदीना मुनव्वरा में इंशाल्लाह इनके लिए क़ियामगाह चलकर जाने के मसाफत पर होगी। आप हजरात जो सुनने वाले हैं और नाज़रीन हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि अल खैर टूर एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा का अभी चंद माह पहले इसका आगाज़ हुआ, चंद काफ़िले हमारे पास से अल्हम्दुलिल्लाह गए और आकर बहुत ही इत्मीनान का इजहार किया उन लोगों ने, बहुत खुशी का इजहार किया, हमारी खिदमत से अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हुए। तो फिर हमारा हौसला बढ़ा के इस खिदमत को हम और बेहतर तरीके से जारी रखें। आप हजरात की दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अपनी खिदमत को बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के खिदमत को कबूल फरमाए, और जो जा रहे हैं आज़मीन अल्लाह ताला उन सब की जान व माल की हिफाजत फरमाए और उनके हज को उनके उम्रे को कबूल फरमाए, आसान फरमाए उनके सफ़र को। पिछली मरतबा हमारे अल खैर टूर एंड ट्रैवल्स के ज़रिए से एक काफ़िला जो गया था उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहतरम हारून रशीद साहब गए हुए थे, आप हजरात इनके तासुरात इनसे समात फरमा सकते हैं। और इंशाल्लाह 2025 के हज के लिए भी हमारे पास बुकिंग जारी है, जो हजरात हज का इरादा रखते हों हज के लिए खिदमत से भी हमारे वो इस्तेफादा कर सकते हैं। हमारी ऑफिस KCT रोड कॉलेज पर है, SK कॉम्प्लेक्स KCT रोड गुलबर्गा, KCT कॉलेज रोड गुलबर्गा, तशरीफ़ लाएं और आसानी से हम दस्तियाब होने के लिए मुलाकात के लिए अबू बकर मस्जिद पैराडाइज फंक्शन हॉल के करीब में है, वहाँ पर भी आप हमारे से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं भी अल खैर
के तरफ से उम्रा के लिए गया था और वहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम था और मौलिम जो थे सिद्दीकी साहब बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को पूरे मुकामात दिखाए। एक हफ़्ता मदीना में रहे, एक हफ़्ता मक्के शरीफ में रहे, इसी तरह बहुत अच्छा इंतज़ाम था और होटल का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था खाने का करने का, और नज़दीक थे होटल,